ठीक है भैया, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ठीक है, तो आज जो है फिर जाए कंटिन्यू करते हैं 3D डायमेंशन ज्योमेट्री का। ठीक है, तो बहुत ये इजी और अच्छा चैप्टर है। ठीक है, स्कोरिंग मार्क्स का है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे पहला क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट पासिंग थ्रू आ गिवन पॉइंट इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर एंड पैरेलल टू आर गिवन वेक्टर पैरेलल टू आर गिवन वेक्टर जैसे ये अगर इसका फिगर हम बनाना चाहें ये बन जाएगा ये। ठीक है, इसका ये कोई आर वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओ है, ये वाई है। ठीक है, एक्स है, ये है क्या, ओ है, ये वाई है। ठीक है, और ये जो है ये कोई लाइन है, ये बी वेक्टर, ये क्या है, ये क्या है, लाइन बी वेक्टर। ठीक, तो इसका इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, एक वेक्टर के गिवन पैरेलल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, एक वेक्टर के स्क्वायर, इसकी क्या होती है, इसकी फॉर्म होती है बी इक्वल टू आर इक्वल टू लैम्डा बी। क्या होती है, आर इज वेक्टर आर इक्वल टू लैम्डा बी, लैम्डा बी, या आर इज इक्वल टू ए बोल होती है ए प्लस लैम्डा बी। ये कब होती है, आर इक्वल टू, अगर ये पॉइंट अगर ओरिजिन से हो गया जाए, अगर ये कहां से हो जाए, ये ना हो, कहें तो हो जाए ओरिजिन से हो जाए, तो क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू जीरो, क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू ए, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी इज इक्वल टू, ये है आर, आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, ये है वेक्टर फॉर्म में, किस फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म है, किस फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है। अगर इसके कार्टेशियन फॉर्म में क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अगर कोई लैम्डा एक पैरामीटर हो, लैम्डा क्या है उसमें, इफ लैम्डा इज एनी पैरामीटर हो, तो क्या आ जाएगा, इस पॉइंट के एक्स वन वाई वन जेड वन ये क्या पॉइंट आ जाएंगे, ये अगर क्या है लैम्डा इज पैरामीटर हो, इसके जो है एक्स वन वाई वाई जेड से लाइन पे क्या
क्या आ जाएंगे, ये आ जाता है एक्स वन प्लस लैम्डा ए वन प्लस एक्स टू प्लस के लैम्डा ए टू, क्या आएगा एक्स थ्री प्लस के लैम्डा बी वन प्लस जेड, क्या आएगा एक्स वन प्लस लैम्डा ए वन प्लस वाई वाई वन प्लस के लैम्डा बी वन प्लस जेड वन प्लस के लैम्डा सी वन, ये आ जाएगा ये के पॉइंट, ये के ये आ जाएंगे पॉइंट। या अगर मान लिया दो है, अगर ए की पॉइंट है तो ए बी की मान लो, तो क्या मान लो ए बी सी, क्या आएंगे ए बी सी, ये आएंगे ए बी सी आएंगे इसके तीन पॉइंट, नहीं तो ये है ये क्या आ जाएगा एक्स सी आ जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म क्या आ गई, आर इक्वल टू ए प्लस बी, ये आ गई इसकी कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। देखो अब अगर क्या है, यही इक्वेशन फॉर एक्स एक्सल, यही क्या है, यही इक्वेशन क्या है, इक्वेशन फॉर एक्स एक्सल, अगर ये इक्वेशन क्या है कि निकालनी है एक्स एक्सल पे निकालनी है, क्या आ जाएगी इक्वेशन फॉर एक्स एक्सल, इक्वेशन क्या आ जाएगी इक्वेशन फॉर एक्स एक्सल क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सल, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सल, इक्वेशन ऑफ एक्स इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सल, सुनो एक्सल क्या आएगी एक्स माइनस जीरो अपॉन वन इक्वल टू वाई माइनस जीरो अपॉन जीरो इक्वल टू जेड माइनस जीरो अपॉन जीरो, ये क्या इम्प्लाइज कर दिया, इट इम्प्लाइज दैट, ये क्या दिखा रहा है, यह क्या है एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल टू जीरो, क्या आएगा वाई इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑन द ऑफ एक्स 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 पे ये वन रहेगा, ये वन कोमा जीरो जीरो और ये सारे क्या आ जाएंगे जीरो आ जाएंगे, ठीक इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सल, इक्वेशन अब है इक्वेशन ऑन द ऑफ वाई एक्सल, इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सल, इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सल क्या आ जाएगा एक्स माइनस जीरो अपॉन जीरो इक्वल टू वाई माइनस जीरो अपॉन वन इक्वल टू जेड माइनस जीरो अपॉन जीरो, इससे क्या आ जाएगा एक्स भी जीरो और जेड भी जीरो, इट इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू जीरो जेड इक्वल टू जीरो, अब इक्वेशन ऑन इक्वेशन ऑफ जेड एक्सल पे क्या आ जाएगा ये एक्स माइनस जीरो अपॉन जीरो इक्वल टू वाई माइनस जीरो अपॉन जीरो इक्वल टू जेड माइनस जीरो अपॉन वन, ये क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो, क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो, ये क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो, यानी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सल पे क्या आएगा वाई इक्वल टू जीरो जेड इक्वल टू जीरो, यहाँ से इक्वेशन ऑफ वाई एक्सल पे क्या आएगा एक्स इक्वल टू जीरो जेड इक्वल टू जीरो, इक्वेशन जेड एक्सल पे क्या आ गया एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू, अगर कोई लैम्डा पैरामीटर हो तो उसके एक्स वन वाई लैम्डा ए प्लस वाई लैम्डा बी प्लस जेड वन लैम्डा सी लैम्डा, और कोई इक्वेशन क्या है कोई पॉइंट है कि पहले एक्स माइनस ए वन अपॉन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ठीक है आगे बढ़े
क्या था, अब एक लाइन है वो दो पॉइंट से होके जाए, ए लाइन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, दो गिवन पॉइंट से कोई इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, इसका वैक्स क्या आ जाएगी, आर इज इक्वल टू ए दो पर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए वैक्स, ये आ जाएगी, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगी, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस वन। अच्छा, और इसकी कार्टेशियन फॉर्म, इसकी कार्टेशियन फॉर्म में क्या जाएगी, एक्स माइनस यानी एक्स माइनस एक्स वन अपॉन x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1 is equal to lambda। यह आ जाएगी, क्या आएगी, x minus x1, यह आएगी x minus x1 upon y2 minus y1 is equal to z2 minus z1, क्या आएगी z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा, ये आ जाएगी, ठीक है, ये इसका कार्टेशियन फॉर्म आ गया। अच्छा, अब देखो, अब क्या है, एक क्वेश्चन लगाते हैं इस तरह के भाई, बीएस कहीं क्या क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है, मान लिया क्वेश्चन है कि फिक्स एक्स फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन आर फिक्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू थ्री वाई प्लस वन इज इक्वल टू टू जेड माइनस टू, ये कार्टेशियन ऑफ द इक्वेशन है, फाइंड इज फाइंड इट डायरेक्शन रेशियो एंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड इज फाइंड इट डायरेक्शन रेशियो फाइंड इट्स डायरेक्शन रेशियो एंड वेक्टर इक्वेशन, ये कोई जो है ये कार्टेशियन फॉर्म में कोई इक्वेशन दे रखी है, सिक्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ये है। अच्छा, अगर ये दे रखी है सिक्स एक्स माइनस टू, अच्छा इसमें जो कोफिशियंट एक्स है इसको जो है क्या कर लेंगे, इसमें कोफिशियंट एक्स को यदि कोफिशियंट एक्स है या कोफिशियंट वाई है या कोफिशियंट ऑफ जेड है, इसका वन बना लेंगे, क्या बना लेंगे, इसका कोफिशियंट क्या बना लेंगे, इसका क्या बना लेंगे, कोफिशियंट वन बना लेंगे, क्या बना लेंगे, यहाँ सिक्स है सिक्स कॉमन ले लूंगा, यहाँ थ्री है थ्री कॉमन ले लूंगा, यहाँ जेड है टू जेड है, यहाँ क्या ले लूंगा टू कॉमन ले लूंगा, जैसे यह सिक्स एक्स माइनस टू सिक्स कॉमन ले क्या आएगा, एक्स माइनस टू बाई सिक्स एक्स माइनस वन बाई थ्री आएगा, क्या आएगा ये एक्स माइनस वन बाई थ्री, क्या आएगा ये एक्स माइनस क्या आएगा यहाँ से एक्स माइनस वन बाई थ्री। अच्छा, यहाँ से ये देखो जब यहाँ से सिक्स लूंगा क्या आएगा एक्स माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू यहाँ से थ्री लूंगा तो क्या आएगा वाई प्लस वन बाई थ्री, यहाँ से टू कॉमन लूंगा क्या आएगा जेड माइनस वन बाई हाफ, ये आ गया। अब इनका क्या है, जिसका टू थ्री सिक्स का सिक्स एलसीएम सिक्स से क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा, क्या आएगा सिक्स एक्स माइनस वन बाई थ्री अपॉन सिक्स इक्वल टू थ्री वाई प्लस वन बाई थ्री अपॉन सिक्स इक्वल टू टू जेड माइनस हाफ अपॉन टू अपॉन सिक्स, थ्री सिक्स से सिक्स जाएगा क्या आएगा एक्स माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू वाई प्लस वन बाई थ्री अपॉन टू
इज इक्वल टू जेड माइनस हाफ अपॉन थ्री, ये आ गया, क्या आ गया, ये आ गया। अच्छा, और इसके इसके क्या डी आर सह गए, कौन से पॉइंट आ गए, कौन से पॉइंट हो गए जिससे होके जा रहा है ये वन आ गया, क्या आ गए, कौन कौन से पॉइंट आ गए, वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन थ्री और प्लस वन अपॉन टू, कौन कौन से पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन कौन सा आ गए इसके पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग क्या आ गए इससे, यहां से है एक्स माइनस एक्स वन पासिंग, पासिंग थ्रू द पॉइंट कितना आ गए, वन बाई थ्री कोमा माइनस वन बाई माइनस वन बाई थ्री कोमा वन पॉइंट, ये आ गए कितने पॉइंट आ गए, ये आ गए वन बाई थ्री माइनस वन बाई टू और वन आ गए। अच्छा, और डी आर एस क्या आ गया, डायरेक्शन रेशो वन टू थ्री, डायरेक्शन रेशो कितने आ गए, डी आर एस डायरेक्शन रेशो कितने आ गए, वन टू टू एंड थ्री, डायरेक्शन रेशो क्या आ गए, वन टू एंड थ्री। अच्छा, और इसकी वेक्टर फॉर्म क्या आ गई, वेक्टर फॉर्म आ गई वन लैम्डा, वेक्टर फॉर्म क्या आ गई, ये आ गई इसकी वेक्टर फॉर्म वन लैम्डा, क्या आ गई वेक्टर फॉर्म क्या आ गई, ये वन बाई थ्री आई कैप प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री जे कैप प्लस वन बाई टू के कैप प्लस लैम्डा आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई, क्या आ गई इसकी, ये इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई, क्या इसकी है वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या आ गई इसकी है, ये वन बाई थ्री आई माइनस वन बाई थ्री जे प्लस वन बाई टू के इक्वल टू लैम्डा आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, ये तेरा निकाल दे रहे। अब क्या है, एक और इक्वेशन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रो, ऑफ द लाइन पासिंग थ्रो थ्री फोर माइनस पासिंग थ्रो ऑफ द लाइन पासिंग थ्रो थ्री फोर माइनस सेवन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू थ्री मोर फोर माइनस सेवन एंड वन माइनस वन एंड सिक्स एंड वन माइनस वन एंड सिक्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू थ्री फोर सेवन एंड ऑल्सो फाइंड द also find the also find the Cartesian equation, इसकी Cartesian equation भी निकाल ली है, मान लिया ये पॉइंट ये है, ये क्या है बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पासिंग थ्रो, दो पॉइंट से होके जा रही है, तो एक ये कौन पॉइंट है, दो पॉइंट है, एक ए के है एक बी के है, इसके लिए कार्टेशियन फॉर्म निकालना है इक्वेशन का, लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा, ए एक ए की फॉर्म में क्या आएगा, ए की फॉर्म में आएगा थ्री आई प्लस फोर जे माइनस सेवन के, ये तो ए,
ए के आ गए थे, ए की फॉर्म में आ गए। बी के क्या आ गए यहां से, आई माइनस जे प्लस के। ये आ गए आई माइनस जे प्लस के। तो आर वेक्टर क्या आएंगे, थ्री आई प्लस फोर जे माइनस सेवन के प्लस लैम्डा। लैम्डा एक पैरामीटर था। अच्छा इसमें से क्या कर दूं, ये घटा दो बी माइनस ए, क्या देगा आई माइनस जे प्लस के माइनस थ्री आई प्लस फोर जे माइनस के सेवन के। ये आ जाएगा आर इक्वल टू थ्री आई प्लस फोर जे माइनस सेवन के प्लस लैम्डा। ये आई माइनस थ्री आई, ये क्या आएगा माइनस टू आई, क्या आएगा लैम्डा माइनस टू आई, आई माइनस थ्री आई माइनस के टू आई माइनस जे माइनस फोर जे माइनस के फाइव जे प्लस के माइनस के प्लस सेवन के एट के। इन दोनों से लैम्डा माइनस कॉमन ले लूंगा, क्या आ जाएगा आर इक्वल टू थ्री आई प्लस फोर जे माइनस सेवन के, माइनस कॉमन लेंगे लैम्डा टू आई प्लस फाइव जे माइनस एट के। याद टू आई प्लस फाइव जे माइनस के एट के आ गए। अच्छा लैम्डा क्या है, जो पैरामीटर है कार्टेशियन फॉर्म क्या आ गई इसकी, एक्स माइनस क्या आएगा यहाँ पे, एक्स माइनस थ्री अपॉन टू, यहाँ क्या आएगा वाई माइनस फोर अपॉन फाइव, ये क्या गया जेड प्लस सेवन अपॉन ये सिक्स के है भैया, क्या है ये सिक्स के है, क्या है यहाँ तो क्या आ जाएगी इसकी इक्वेशन, क्या आ जाएगी एक्स माइनस थ्री अपॉन टू वाई माइनस फोर अपॉन फाइव, ये क्या आ जाएगी जेड प्लस थर्टीन अपॉन सेवन, क्या आ जाएगी ये इक्वेशन ऑफ द कार्टेशियन, क्या आएगी एक्स माइनस थ्री अपॉन टू इक्वल टू वाई माइनस फोर अपॉन फाइव इक्वल टू जेड प्लस सेवन अपॉन थर्टीन। ये इसकी उल्टी से भी इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो। अच्छा आगे बढ़े, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट विच पासस थ्रू द पॉइंट
Find the equation of a line which passes through the point 2, 3, 4 and which 2, 3 and 4. 2, 3 and 4 which have equal intercepts on x axis. Which have equal intercepts on which have equal intercept on the axis. Which have equal intercept on the axis. Find the equation of the line which passes through the point 2, 3, 4 which have the equal intercepts on the axis. अच्छा अगर ये इक्वल इंटरसेक्ट कर रहा है किसके लाइन के एक्सेस कर रहा है तो क्या आ जाएगा ये x माइनस टू अपॉन वन इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉन वन इक्वल टू जेड माइनस फोर अपॉन वन ये आ जाएगा क्या आ जाएगा ये x माइनस टू अपॉन वन इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉन वन इक्वल टू जेड माइनस फोर अपॉन वन क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है किसी लाइन के तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा x माइनस टू अपॉन y माइनस थ्री अपॉन जेड माइनस फोर अगर कहीं ये कोई चॉइस में आ जाता है कोई कोई गिवन है पॉइंट दे रखा है ये यहाँ x की अल्फा यहाँ बीटा कौन से पॉइंट से हो रहा है ये इक्वेशन दे रखी है कि कौन सा पॉइंट है ये तो इसको सेटिस्फाई भी करा लेते हैं जहां सेटिस्फाई कराता है बाय चांस अगर दो से ज्यादा ऑप्शन में सेटिस्फाई करा रहा है वहां तो जो प्रॉब्लम है अगर एक ही पॉइंट पे ये सेटिस्फाई कराता है अगर एक ही पॉइंट पे ये सेटिस्फाई कराता है तो वही दैट इज आंसर अगर एक से ज्यादा ऑप्शन है सेटिस्फाई है कि थोड़ी जो है प्रॉब्लम है ठीक है और अब नया क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है x माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू वाई प्लस टू अपॉन माइनस वन इक्वल टू जेड अपॉन वन इंटरसेक्ट एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन इंटरसेक्ट एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन क्या गया ये कोई इक्वेशन है लाइन की कोई इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ द लाइन जो क्या है इक्वेशन ऑफ ए लाइन इंटरसेक्ट एक्स वाई जेड प्लेन क्या है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन है इंटरसेप्ट एट द हेड प्लेन तो कहां ये अच्छा अगर ये एक्स वाई प्लेन में मीट करती है कहां ज्वाइनिंग करती है किसको इंटरसेप्ट करती है इसी एक्स वाई प्लेन क्या है फोर एक्स वाई प्लेन फोर एक्स वाई प्लेन अगर एक्स वाई प्लेन पे ये क्या करती है इंटरसेप्ट करती है एक्स वाई प्लेन पे क्या हो जाएगा जेड बराबर क्या आ जाएगा जीरो जेड बराबर क्या जाएगा जीरो होती है जेड बराबर जीरो तो क्या आएगा ये एक्स माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू जीरो इक्वल टू वाई प्लस टू अपॉन माइनस वन इक्वल टू जीरो
एक्स माइनस वन की वैल्यू यहां से निकाल लूंगा, इसे करके क्या आएगा, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एक्स माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन। सिमिलरली वाई प्लस टू, वाई प्लस टू अपॉन माइनस वन इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू माइनस टू। फाइंड क्या आ गए, वन वन माइनस टू एंड जीरो, यहां के लिए निकालना हमने एक्स वाई प्लेन। सिमिलरली फॉर वाई जेड, फोर वाई जेड के लिए क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई जेड प्लेन के लिए क्या आ जाएगा, ये एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये जीरो इक्वल टू वाई प्लस टू अपॉन माइनस वन इक्वल टू जेड अपॉन वन, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के टू, जेड इक्वल टू जीरो। तो पॉइंट क्या आ गया इसके, पॉइंट आ गया इसके जीरो कोमा माइनस टू कोमा जीरो, ये आ गए। फॉर अब है फॉर क्या आएगा, फॉर ये एक्स वाई प्लेन ले लेता, ये वाई जेड प्लेन ले लेता, फॉर जेड एक्स, फॉर जेड एक्स प्लेन के लिए, फॉर जेड एक्स प्लेन के लिए, क्या कहेंगे, फॉर जेड एक्स प्लेन के लिए, चलिए छोटा ही मान लेते, छोटा ही कोई दिक्कत नहीं है, फॉर जेड एक्स प्लेन के लिए, फॉर जेड एक्स प्लेन के लिए क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, वाई कहाँ है, जीरो ये है, तो क्या आएगा, ये एक्स माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू जीरो इक्वल टू जेड अपॉन वन। तो इसकी वैल्यू इधर से क्या आ जाएगी, फोर एक्स माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वन, टू की जीरो एक्स एंड जेड प्लस वन इक्वल टू जेड अपॉन वन इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट जेड इक्वल टू जीरो वन, एंड पॉइंट आर वन जीरो वन, वन जीरो वन, आई बात ये तीनों पॉइंट निकाल लेते हैं, ये पॉइंट अब आ गए वन जीरो वन। देखो भाई इसमें गलती क्या हो गई है, ये गलती हो गई है थोड़ी सी, जब ये जेड इक्वल टू जीरो प्लेन पे था, जेड इक्वल टू जीरो, यहाँ जेड अकेला था जेड, अब यहाँ क्या है, अब जो है वन एक्स इक्वल टू जीरो रखूंगा, तो इसे जीरो माइनस वन क्या आएगा यहाँ, सो ये गलत होगा, जीरो माइनस वन अपॉन टू आएगा, जीरो माइनस वन अपॉन टू आएगा, क्या आएगा ये जीरो अपॉन, ये जीरो माइनस वन अपॉन क्या आएगा टू आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये वाई प्लस टू अपॉन माइनस वन इक्वल टू माइनस हाफ, इसे माइनस से माइनस, तो क्या आएगा टू वाई प्लस फोर इक्वल टू वन, इस माइनस से माइनस क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, टू वाई प्लस फोर, सो टू वाई इक्वल टू वन माइनस फोर, वाई इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन टू, वाई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के थ्री अपॉन टू आ गई। अब इसी तरह से z अपॉन वन, z अपॉन वन इक्वल टू माइनस हाफ, z इक्वल टू माइनस हाफ, तो ये क्या आ गए पॉइंट, क्या आ गए, x की वैल्यू क्या है जीरो माइनस थ्री बाई टू, ये क्या आ गए माइनस हाफ, ठीक। अब इसी तरह से फोर जेड एक्स की वाई इक्वल टू जीरो रखूंगा, वाई इक्वल टू क्या रखूंगा मैं, जीरो, वाई नहीं है मैंने, क्या है ये जीरो प्लस टू, क्या है जीरो प्लस टू अपॉन माइनस वन इक्वल टू जेड, अब ये एक्स माइनस वन टू इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस टू, ये क्या आ जाएगा ये क्या आएगा x माइनस, क्या आएगा ये x माइनस
हाफ वन अपॉन टू इक्वल टू टू अपॉन माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू माइनस फोर, एक्स इक्वल टू क्या आ गया माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू क्या आ गया इधर आ गए माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री, इसी तरह से जेड प्लस वन अपॉन माइनस टू, जेड इक्वल टू माइनस टू, तो पॉइंट आ गए इसके माइनस थ्री माइनस थ्री जीरो कोमा माइनस टू आ जाएगा। आई बात नहीं भाई, देख लो तो ये जो है किसी भी पॉइंट के ये पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक। ठीक है, फोर माइनस फोर अपॉन टू अच्छा, अगर इसमें किसी की भी वैल्यू ये वाली है ये वाली या ये वाली तीनों में कोई सी वैल्यू यहां रखेंगे इसी इक्वेशन में तो इसको ये सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज ऑन, यानी कोई भी वैल्यू जो हम रखेंगे उस वैल्यू की जो है सेटिस्फाई करेंगी, वही इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े भाई। क्या है थोड़े लेंथी होते हैं, बहुत इजी है, थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ता है। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन विच पासिंग थ्रू या फाइंड द इक्वेशन विच इज पासिंग थ्रू विच फाइंड द इक्वेशन विच पासर थ्रो पॉइंट वन जीरो माइनस वन पासिंग थ्रो पॉइंट वन जीरो माइनस वन, एक इक्वेशन निकालनी है जो पॉइंट से पासर हो रही है वन जीरो वन एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन एंड इट्स परपेंडिकुलर एंड इट्स परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन टू द स्ट्रेट लाइन टू आई माइनस जे प्लस के आर इक्वल टू, दो लाइन है ये टू आई माइनस जे प्लस के, टू आई माइनस जे प्लस के प्लस लैम्डा टू आई माइनस सेवन, टू आई प्लस सेवन जे प्लस माइनस थ्री जे, क्या टू आई प्लस सेवन जे माइनस थ्री के, ये एक ये रही है। दूसरी क्या लाइन है, दूसरी लाइन है R इक्वल टू थ्री आई माइनस जे प्लस थ्री के प्लस लैम्डा टू आई माइनस टू जे प्लस फाइव के आ गई। आर इक्वल टू थ्री आई, आर इक्वल टू थ्री आई माइनस जे प्लस थ्री के लैम्डा टू आई माइनस टू जे प्लस फाइव के, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये क्या है इसका परपेंडिकुलर है
ये इसका जो वेक्टर है इसका क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, इसका परपेंडिकुलर है तो क्या आएगा, ये टू आई, क्या आएगा, टू आई प्लस 7j, टू आई प्लस 7j माइनस 3k, ये इसका परपेंडिकुलर है और इसका क्या आएगा, माइनस परपेंडिकुलर टू आई माइनस 2j प्लस 5k, ये ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर है तो इनका क्या मल्टीपल होगा, क्या आ गया, ये किस तरीके से किया, आई जे के का डिटरमिनेशन क्या होता है, 2 7 माइनस 3, 2 माइनस 2 एंड 5, ये वही, ये क्या आ गई, इसके जो है डिटरमिनेशन निकाल लेंगे वही है, ये है कि इसको ये आई को छुपोगे, इसका ये इसकी प्रोडक्शन, ये आई प्लस जे प्लस के, देखो क्या आ गई इसकी वैल्यू, ये आ जाएगी आई प्लस जे के, देखो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू आई जे के, निकालो उसके तरफ, तो आ रहा हूँ देखो हमारा ये आ रहा हूँ, मैं पहुंच लूंगी वाले ठीक है। अच्छा भाई क्या आ गया ये, इसी क्या आ गई वैल्यू भाई, आई जे के निकाल देते क्या आ गई वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई है, क्या आ गई बोलो, क्या आ गई है, 29 आई, हाँ क्या है, 29 आई जे की, इधर जे की वैल्यू क्या आ गई, -16j, 29 आई 16j, और के की वैल्यू क्या आ गई बोलो, के की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -18k, -18k, ये आ गई। यार 29 आई -16j आ गई। अच्छा ये इक्वेशन जो है इससे पास होके जा रही है, किससे पास होके जा रहा है, 1 0 -1, किससे होके जा रहा है, 1 0 -1, किससे होके जा रहा है, तो इसके क्या हो जाएगी इक्वेशन, क्या आ जाएगी वो x-1, क्या x-1 अपॉन 29 इक्वल टू y-0 अपॉन -16 इज इक्वल टू जेड प्लस 1 अपॉन, x-1 अपॉन 29 क्या आ जाएगा, x-1 अपॉन 29 इज इक्वल टू y-0 अपॉन 16 इज इक्वल टू जेड, ये क्या आ गया, x-1 अपॉन 29 इक्वल टू y-अपॉन -16 इज इक्वल टू जेड प्लस 1 अपॉन -15, ये आ गया। आगे बात करें भाई, आगे बढ़े, अब
अगर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज एक्स माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन माइनस थ्री इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जेड एक्स माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन माइनस थ्री इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जेड एट द डिस्टेंस At that distance, x minus 1 upon 2 is equal to y plus 1 upon minus 3 is equal to y. That is equal to, at that distance is 4 root 4. कितना था है? 4 root 4. At that distance is 4 root 4 from the point 1 minus 1 0. From the point 1 minus 1 0. From the point 1 minus 1 0. देखो ये क्या है, ये एक इक्वेशन है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 4 रूट 14 है. कितनी है? एट द डिस्टेंस 4 रूट 14 है. अच्छा ये तो इसके अगर मान लीजिए लैम्डा के बराबर है, ये आर के बराबर है, तो एक्स इक्वल टू कितना जाएगा यहां से, एक्स माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन माइनस थ्री इज इक्वल टू जेड अपॉन वन इज इक्वल टू आर या लैम्डा. तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया यहां से, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, टू लैम्डा प्लस वन. एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, टू लैम्डा प्लस वन. वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, थ्री लैम्डा माइनस के वन. y इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या आ गया, ये लैम्डा आ गया. जेड इक्वल टू क्या आ गया, ये लैम्डा आ गया. अच्छा और कौन से डिस्टेंस पे पॉइंट है, ये वन माइनस वन जीरो. इस पॉइंट से ये डिस्टेंस है, इस पॉइंट की, इस पॉइंट से डिस्टेंस है, इस पॉइंट की, इस पॉइंट से डिस्टेंस है, इस पॉइंट की, इस पॉइंट से डिस्टेंस है. तो क्या आ जाएगा यहां से, यहाँ पे क्या आ जाएगी दोनों की बीच की डिस्टेंस वो है ना, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर. क्या आ जाएगी, टू लैम्डा, एक तो एक्स ये रहा, वाई ये रहा, जेड ये रहा. यानी कि ये है, ये इस तरह का पॉइंट आ गया, टू लैम्डा प्लस वन, थ्री लैम्डा माइनस वन लैम्डा, इसकी इससे डिस्टेंस ये. तो क्या आ जाएगा, टू लैम्डा प्लस वन क्या आएगा, टू लैम्डा प्लस वन माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री लैम्डा माइनस वन, थ्री लैम्डा माइनस वन का स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस जीरो का स्क्वायर का रूट इक्वल टू डिस्टेंस आ गई थी फोर रूट फोर्टीन. क्या आ गया, फोर रूट हंड्रेड फोर्टीन. ठीक है जी, अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, टू लैम्डा प्लस वन का. अच्छा दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ, क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ, क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर कर दूंगा. क्या आ जाएगा ये, क्या आ जाएगा, इस वन से वन जाएगा, टू लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर लैम्डा का स्क्वायर प्लस इस माइनस इस क्या है, थ्री लैम्डा माइनस टू आ जाएगा. क्या आ जाएगा ये, थ्री लैम्डा माइनस टू का होल स्क्वायर. क्या आ जाएगा ये, थ्री लैम्डा माइनस के टू का होल स्क्वायर. ये इसका जो सीधा कोएफिशिएंट लेके इसका सीधा ही ये कर लो, सी लैम्डा का स्क्वायर ही एक का कोएफिशिएंट ही ले, सी लैम्डा का स्क्वायर टू लैम्डा का स्क्वायर और प्लस लैम्डा का स्क्वायर. ये डायरेक्ट ही क्या कर लो, लैम्डा का स्क्वायर प्लस के लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू 44, 444 ये टू लैम्डा हो जाएंगे.
इसका क्वेश्चन 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 444, ये क्या आ गया, 4 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू 414। इसका स्क्वायर क्या आएगा, 4 9 13 14 लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू 414। दोनों का स्क्वायर कर दिया, 14 लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 4। लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 14 अपॉन मल्टीप्लाई 4 अपॉन 40। 14 है 14 क्या, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 4 मल्टीप्लाई 4 4, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 4। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 4 आ गई। तो लैम्डा की वैल्यू कहां रखूंगा, इसमें कोऑर्डिनेट में रखूंगा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, एक बार प्लस 4 रखूंगा एक बार माइनस 4। प्लस 4 इसके क्या आ गया, 9, क्या आ गया 9 आ गया, ये क्या आ गया 12 12 माइनस 1 11, ये क्या आ गया 4। माइनस 4 रख के क्या आ गया, 7 आ गया, क्या आ गया माइनस के 7 आ गया, माइनस के 13 आ गया, माइनस के 4। ये भाई आगे बैठे, ये कोई इक्वेशन थी, इसको जो है इसके लैम्डा के इक्वल लिख लिया और फिर जो है इसका जो है ये आ गया। तो इसकी जो है डिस्टेंस है क्या, इसकी डिस्टेंस कितनी है, इनकी डिस्टेंस यानी इसका इसकी डिस्टेंस ये आ गई 3 2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस क्या आ गई है, प्लस लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 404। दोनों का स्क्वायर करके लैम्डा इक्वल टू माइनस 4 और लैम्डा की वैल्यू यहां रखते हैं। ठीक है, अब है एंगल बिटवीन टू लाइन, क्या है एंगल बिटवीन टू लाइन, क्या है एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन है, मान लिया एक एक लाइन है एक्स माइनस ए वन अपॉन बी वन इक्वल टू, एक लाइन है वाई माइनस ए टू अपॉन बी टू, एक लाइन है जेड माइनस ए थ्री अपॉन बी थ्री, एक और लाइन है एक्स माइनस ए वन का डैश अपॉन बी वन का डैश इक्वल टू वाई माइनस ए टू का डैश अपॉन बी टू का डैश इक्वल टू जेड माइनस ए थ्री का डैश अपॉन बी थ्री का डैश, बी थ्री का डैश। अब इसका इसके बीच क्या निकालना है, एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन टू लाइन, ये दो लाइन है इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू
कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी वन, बी वन का डैश प्लस बी टू, बी टू का डैश प्लस बी थ्री, बी थ्री का डैश प्लस नीचे क्या आ जाएगा, ये ए वन बी वन का स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी वन का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर प्लस बी थ्री का स्क्वायर एंड बी वन का डैश का स्क्वायर, बी वन डैश का स्क्वायर प्लस बी वन बी टू डैश का स्क्वायर प्लस बी थ्री डैश का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर रूट और इसकी रो से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये इसका दोनों के बीच का एंगल निकल जाता है। क्या है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, इफ टू लाइन आर, इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 90, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 90, तो कॉस 90 क्या आएगा, ये कॉस 90, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी 90 आएगी, 90 रख के क्या आएगा, बी वन, बी वन का डैश प्लस कोस 90 की वैल्यू कितनी आती है, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, ये कोस 90 की वैल्यू आती है जीरो आती है, क्या आती है जीरो, तो जीरो इक्वल टू क्या जाएगा, ये जीरो इक्वल टू ये समथिंग आ जाएगा और इसकी में क्रॉस मल्टीप्लाई जीरो मल्टीप्लाई है तो क्या आएगा, बी वन प्लस बी वन का डैश क्या आ जाएगा, बी वन, बी वन का डैश प्लस बी टू, बी टू का डैश प्लस बी थ्री, बी थ्री का डैश, ये इसका इक्वल टू जीरो, दैट इज जीरो, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। अब अगर दो लाइन, अगर इस लाइन आर पैरेलल है, क्या है ये पैरेलल है, अगर पैरेलल है इफ लाइन आर पैरेलल, इफ लाइन आर पैरेलल, इफ लाइन आर पैरेलल, बी वन इज इक्वल टू लैम्डा टी, बी डैश इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा बी डैश, यानी बी यही कहते बी वेक्टर जो है, ये बी वेक्टर है लैम्डा बी डैश के वेक्टर के इक्वल है। अच्छा अगर दो लाइन पैरेलल है तो क्या आ जाएगा, ये वही है फॉर्मूला, बी वन अपॉन बी वन का डैश प्लस बी टू अपॉन बी टू का डैश इक्वल टू बी थ्री अपॉन बी थ्री का डैश, ये सिंपल फॉर्मूला है, वही है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसका एंगल दिया जाएगा और अगर ये है तो इसका एंगल ये आ जाएगा। देखो एक और क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, ये है ना कोस 90, कोस 90 की वैल्यू जीरो है तो जीरो आ जाएगी और पैरेलल है कोस जीरो इक्वल टू फोर है तो इसकी जो है सेम रेशियो में इक्वल हो जाए, ठीक है। देख भाई अब आगे क्या है सवाल, अगर कोऑर्डिनेट लाइन क्या है एक्स इक्वल टू ए वाई है, दैट कोऑर्डिनेट इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए वाई प्लस बी, एक्स इक्वल टू ए वाई प्लस बी है, जेड इक्वल टू सी वाई प्लस डी है, जेड इक्वल टू सी वाई प्लस डी है और x इक्वल टू क्या है a डैश y, a डैश y प्लस b डैश और z इक्वल टू c डैश y प्लस d डैश, c डैश y प्लस d डैश r परपेंडिकुलर, r परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन है x इक्वल टू ए वाई वाई प्लस जी, ये टी वाई डेड है, ये है x इक्वल टू ये एक तो ये है और एक ये है, ये दो है, ये x इक्वल टू ये ए वाई प्लस बी डेड इक्वल टू सी वाई प्लस जे, x इक्वल टू ए डैश वाई प्लस बी डैश डेड इक्वल टू सी वाई डी, सी डैश वाई प्लस डी डैश है
आर परपेंडिकुलर, अगर इधर ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? देखो भाई पहले इसको इक्वेशन को ले जा, एक्स इक्वल टू क्या ले जा, एक्स इक्वल टू ए वाई प्लस बी, और क्या एक क्या है जेड इक्वल टू सी वाई प्लस डी, जेड इक्वल टू सी वाई प्लस डी। तो इसे क्या कर लिया, एक्स माइनस बी क्या आएगा, ये एक्स माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस जीरो अपॉन वन इक्वल टू यहां पर क्या आएगा, जेड माइनस डी अपॉन सी। इसे यहां से ले लिया, ए वाई के इक्वल हो जाएगा जेड माइनस ए अपॉन बी, ये भी जेड माइनस वाई सी अपॉन डी अपॉन सी, ये भी आएगा। ठीक इसी तरह से अगर एक इक्वेशन ये है, ये क्या जाएगी, ये क्या ये है, एक इक्वेशन ये है एक्स इक्वल टू ए डैश वाई प्लस बी डैश जेड इक्वल टू सी डैश वाई प्लस डी डैश, ये क्या जाएगी इधर से, ये आ जाएगी एक्स माइनस बी डैश, क्या जाएगी एक्स माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इक्वल टू वाई माइनस जीरो अपॉन वन इक्वल टू जेड माइनस बी डैश अपॉन सी डैश, ये आ गई। ये इक्वेशन आ गई है, वही है अगर ये परपेंडिकुलर होंगी, अगर क्या हो ये परपेंडिकुलर होंगी, जिसको वो कल कहा था या ए यहां था ना बताया था मैंने ए ए डैश बी बी डैश सी सी डैश, लेकिन बी और बी डैश में क्या है दोनों की जगह वन और वन है, तो फॉर परपेंडिकुलर फॉर फॉर परपेंडिकुलर क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई ए डैश प्लस बी वन मल्टीप्लाई वन प्लस सी मल्टीप्लाई लैम्डा इक्वल टू जीरो, ए ए डैश प्लस वन प्लस सी लैम्डा इक्वल टू जीरो, आगे बात है ये। अब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन फ्रॉम ए लाइन एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, जैसे मान लिया ये कोई एक ए बी ए है, ठीक
ये भी ये है, लाइन है, और इसमें परपेंडिकुलर इसकी क्या है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी जे, क्या है जो है ए आई प्लस बी जे प्लस सी जे, इसपे एक परपेंडिकुलर है, ये यहाँ ये परपेंडिकुलर, ये कोई पी पॉइंट है, ये ओ है, क्या है इसमें, ये क्या है पी, ये एल ही मान लिया, ओ मान लिया, ये है पी पॉइंट है, तो क्या है ये पी या एल मान लो, कोई बात नहीं, एल पी, ये है ए आई प्लस पी जे, जो पी के जो है कोऑर्डिनेट है वो है अल्फा बीटा और गामा, ये है तो इसका जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा अगर इसकी इक्वेशन की लाइन क्या होगी तो पता है, एक्स माइनस वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये इसकी कोई इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो इसके क्या हो जाएंगे डिस्टेंस क्या है, एन इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स वन अपॉन प्लस बी, क्या गया ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी बीटा माइनस वाई वन ए सी, ये अल्फा जाएंगे, क्या जाएंगे अल्फा प्लस सी गामा माइनस के जेड वन अपॉन, ये जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ए इक्वल टू लैम्डा माइनस एक्स वन प्लस बी बीटा माइनस वाई वन प्लस सी गामा जेड माइनस जेड वन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी ये फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, एक ए की कोई लाइन है, ए की कोई लाइन है, ये इसके कोऑर्डिनेट ए आई ये लाइन है, और एक पॉइंट है पी से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगी है, ये कोई लाइन अगर इस तरह की है, ये कोई लाइन इस तरह, ये क्या आ जाएगी है लैम्डा इक्वल टू ए लैम्डा माइनस एक्स वन प्लस बी बीटा माइनस वाई वन प्लस सी गामा माइनस जेड वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन लगाते हैं इसके ऊपर, इमेज ऑफ ए पॉइंट इन द गिवन लाइन, अब है इमेज क्या है, ये बाकी इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए गिवन लाइन क्या है, इमेज इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए पॉइंट इन द गिवन लाइन, इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन, एक कोई ये लाइन है, ये एक ही वही पे एक ये ए भी एक लाइन है, इस पर ये कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये कोई जिसको बता रहा है, मैं ये अभी बिल्कुल अभी बताया, ये कोई पॉइंट है, ये एल ये है, क्या है ये एल सी एल है, ये पी है, ये अल्फा बीटा गामा ये इस तरह, ये ठीक है। तो इसका जो ये इमेज होगी ये इसकी नीव इमेज इस तरह बनेगी, ये इसके क्यू क्यू इज द इमेज ऑफ द पी, पी इज द वेयर एल इज द वेयर एल इज द ब्लूप्रिंट ऑफ पी क्यू, एल इज द क्या हो जाएगा ये इस तरह की, एल इज द क्या कहलाएगी, एल इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, सी क्यू का क्या होगा ये जो है, और इसके इसकी इमेज की क्या आ जाएगी, इसकी इमेज रहेगी, इसकी इमेज रहेगी अल्फा डैश बीटा डैश और
गामा डैश ये इसकी इमेज कहलाती है, इसकी क्या कहलाती है, इमेज कहलाती है ये क्या है, ये कोई एक लाइन है इसकी जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसकी इमेज इसकी क्यू कहलाएगी इफ एल इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ठीक है भाई आगे अब एक क्वेश्चन लगाए आगे चलो ठीक है चक्कर लगाते हैं ठीक आज के लिए इतना ही, कल के लिए जो है कल लगाएंगे इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक क्वेश्चन कल लगाएंगे ठीक है थैंक यू आज के लिए इतना ही।